हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन्वेंट्री कंट्रोल को, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया इन्वेंट्री मॉडल विथ साइमल्टेनियस प्रोडक्शन कंजम्पशन को। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन हम लोग एक साथ कर रहे थे। अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री मॉडल विथ शॉर्टेज। तो इन्वेंट्री मॉडल विथ शॉर्टेज को हम डिस्कस करेंगे। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री मॉडल विथ शॉर्टेज को। तो इन्वेंट्री मॉडल विथ शॉर्टेज में क्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका शॉर्टेज हो रहा है। तो इस मॉडल में क्या है कि इस मॉडल में हम क्या कर रहे हैं कि शॉर्टेज को अलाउ कर रहे हैं कि हमारे पास डिमांड तो है लेकिन हम सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो डिमांड है मार्केट का लेकिन हम सप्लाई नहीं कर पा रहे, हमारे पास क्वांटिटी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास शॉर्टेज हो गया। तो शॉर्टेज अगर हो रहा है तो ऑप्टिमम शॉर्टेज हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्टेज अगर हो भी रहा है तो हम ऑप्टिमम शॉर्टेज करें ताकि लॉसेज लॉस जो हो सकता है वो मिनिमम लॉस हो। क्योंकि अगर आपके पास शॉर्टेज हो गया है तो जो कस्टमर आ रहा है वो कस्टमर आपका से यहाँ से क्या होगा, रिटर्न होगा, उससे जो प्रॉफिट बनने वाली थी वो प्रॉफिट अब नहीं बन पाएगी। और साथ ही साथ क्या है कि आपके पास जो इम्प्लॉई है, वर्कर्स है, उसको तो आपको रेंट तो देना पड़ेगा, आपको रेंट उसके सैलरीज तो देना होगा। तो आपका कॉस्ट तो जा रहा है लेकिन आपका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर एक बार कोई कस्टमर आपके यहाँ से आया वो रिटर्न हो गया तो कस्टमर अगली बार आएगा कि नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कस्टमर का भी लॉस हो जाए। तो इस तरह से अगर कोई शॉर्टेज हो रही है तो आपका लॉस होने वाला है। तो उस लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उस लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं इस मॉडल में। तो इन्वेंट्री मॉडल है विद शॉर्टेज है, शॉर्टेज हो तो मिनिमम शॉर्टेज हो, ऑप्टिमम हो, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है कि हमारे पास एक प्लॉट देख रहे हैं हमारे पास कि हमारे पास कोई एक टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड का और क्वांटिटी है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी टाइम पे हमारे पास कोई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ई ओ क्यू, हमारे पास ई ओ क्यू, क्यू स्टार जो है हमारे पास ई ओ क्यू है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ये हमने अचीव किया, प्रोड्यूस किया या अचीव किया। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि आप क्या करेंगे, हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक हम क्या करेंगे, इसको कंज्यूम करेंगे। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद इसका वैल्यू कितना हो रहा है, हमने जितना कंज्यूम किया था वो जीरो हो गया। लेकिन उसके पास भी हमारे पास क्या था, डिमांड है। उसके बाद भी हमारे पास डिमांड है लेकिन क्या हो रहा है, हमारे पास क्वांटिटी ही नहीं है। यहाँ पे डिमांड तो है लेकिन क्वांटिटी नहीं है, तो क्या हो रहा है, हमारे पास शॉर्टेज हो रहा है। तो ये जो शॉर्टेज हो रहा है उसके कारण जो हमें लॉस होगा, उस लॉस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो शॉर्टेज हो रहा है तो शॉर्टेज हो तो ऑप्टिमम शॉर्टेज हो, मतलब मिनिमम शॉर्टेज हो, उसके बाद का हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो क्यों हमारे पास जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो फाइनली क्यों जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो मतलब शॉर्टेज को लेके इतना होना चाहिए था, लेकिन हम कितना कंज्यूम कितना कर रहे हैं, तो कंज्यूम कितना करें, क्यू स्टार माइनस एस स्टार। तो एस स्टार क्या है, हमारे पास ऑप्टिमम जो शॉर्टेज हो तो वो ऑप्टिमम शॉर्टेज हो उसकी बात करेंगे। तो क्यू स्टार माइनस एस स्टार क्या करेंगे, हम कंज्यूम कर रहे हैं अगेन। फिर यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगेन हम एक ई ओ क्यू लेंगे, अचीव करेंगे, और फिर हमारे पास क्या करेंगे, उसको हम कंज्यूम करेंगे। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, अगेन ई ओ क्यू आएगा और हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कंजम्पशन होगा। तो यहाँ पे अगेन ई ओ क्यू आ रहा है, कंज्यूम कर रहे हैं हम उसको। तो यहाँ पे टी टू आपका है, फिर आपका फिर अगेन टी वन टी टू है, सेम साइकिल आपका क्या होगा, रिपीट होगा। तो फिर अगेन हम ई ओ क्यू होगा, उसमें आपका क्या होगा, फिर हम यहाँ तक कंज्यूम कर पा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो डिमांड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो शॉर्टेज में चला जाएगा। तो यहाँ कुछ वेरिएबल हम देखते हैं कि क्यू स्टार जो है हमारे पास ई ओ क्यू है, जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, कि हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए इकोनॉमिकली। एस स्टार क्या है, हमारे पास ऑप्टिमम शॉर्टेज हो रहा है। अगर शॉर्टेज हम अलाउ कर रहे हैं इस मॉडल में, हमारे पास शॉर्टेज को हम अलाउ कर रहे हैं, शॉर्टेज हो रहा है, तो शॉर्टेज जो हो सकता है वो मिनिमम हो सकता है, दैट इज ऑप्टिमम शॉर्टेज हो सकता है, वो यहाँ पे है। फिर हमारे पास कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो सी एस हमारे पास क्या है, शॉर्टेज कॉस्ट है, या पर यूनिट पर ईयर आपका रहेगा। तो यहाँ से आगे हम देखेंगे डिफरेंट कॉस्ट को। यहाँ पे दो टाइम है, एक कंजम्पशन टाइम है और एक शॉर्टेज टाइम है। इस टाइम में शॉर्टेज हो रहा है, इस टाइम में हम क्या कर रहे हैं, जो क्वांटिटी हमारे पास है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉस्ट होंगे सिमिलर टू अर्लियर मॉडल। तो यहाँ पे क्या होगा, परचेज कॉस्ट होगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट आपका होगा। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा ए बाई क्यू इंटू एस। तो ये हमारे पास ए बाई क्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ए जहाँ पे एनुअल डिमांड है, क्यू आपका ऑर्डर क्वांटिटी है, एस क्या है आपके पास कॉस्ट पर ऑर्डर है, वो एस अलग है। यहाँ पे शॉर्टेज जो हो रहा है ये ऑप्टिमम शॉर्टेज है, ये क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ये कॉस्ट, ये दोनों अलग अलग है।
फिर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो हो जाएगा मैक्सिमम इन्वेंट्री एक बनेगा, और उस मैक्सिमम इन्वेंट्री बाई टू इंटू सी आई आपका हो जाएगा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम इन्वेंट्री जो बन रहा है वो क्यू स्टार माइनस एस स्टार आपका होगा, तो इसलिए आई मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू स्टार माइनस एस स्टार आपका हो जाएगा। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा क्यू स्टार माइनस एस स्टार बाई टू इंटू सी आई आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई मैक्स का वैल्यू इतना ही, मैक्सिमम इन्वेंट्री तो इतना ही है, वो क्यू स्टार होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हुआ शॉर्टेज के कारण क्वांटिटी का कुछ लॉस हो रहा है, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री कितना है क्यू स्टार माइनस एस स्टार। इस पॉइंट पे आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं बन रही है तो यहाँ पे इन्वेंट्री जीरो है, तो आई मैक्स कितना हो जाएगा क्यू स्टार माइनस एस स्टार प्लस जीरो बाई टू, यानी कितना आपका इन्वेंट्री बन गया। तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं शॉर्टेज कॉस्ट को हम आगे निकालेंगे, तो शॉर्टेज कॉस्ट जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए शॉर्टेज यहाँ पे इस पॉइंट पे शॉर्टेज एस स्टार है, और यहाँ पे शॉर्टेज कितना है इस पॉइंट पे शॉर्टेज कितना है जीरो, यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं है, यहाँ पे शॉर्टेज एस स्टार है, तो एवरेज जो शॉर्टेज हो जाएगा वो एस स्टार जो आपका हो जाएगा वो जीरो प्लस एस स्टार बाई आपका टू हो जाएगा, और कॉस्ट जो हो जाएगा एस स्टार बाई टू इंटू सी एस हो जाएगा, क्योंकि पर यूनिट जो शॉर्टेज कॉस्ट है वो इतना है। तो यहाँ से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास होगा वो तीन पार्ट में वेरिएबल कॉस्ट होगा, एक तो होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक आपका हो जाएगा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, और तीसरा कॉस्ट यहाँ पे आएगा इस पर्टिकुलर मॉडल में, इस शॉर्टेज मॉडल में आपका होगा तीसरा कॉस्ट, और वह कॉस्ट हमारे पास क्या होगा शॉर्टेज कॉस्ट। तो ये आपका ऑप्टिमम शॉर्टेज है, यहाँ पे आपका शॉर्टेज हम मिनिमम मान लेंगे, और मिनिमम शॉर्टेज हो जा रहा है वो एस स्टार है, इनिशियल पॉइंट पे शॉर्टेज यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे शॉर्टेज आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे शॉर्टेज एस स्टार होगा, यहाँ पे शॉर्टेज हमारे पास कितना है जीरो है, तो फाइनली जो एवरेज शॉर्टेज हो जाएगा वो एस स्टार प्लस जीरो बाई टू, यानी कि एस स्टार बाई टू। ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, एनुअल कॉस्ट में अगर हम टोटल एनुअल कॉस्ट की बात करेंगे तो ए इंटू सी आपका क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्टिमम शॉर्टेज का फॉर्मूला निकल जाएगा, ऑप्टिमम क्वांटिटी का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल जाएगा, विथ शॉर्टेज विथ आपका शॉर्टेज हो जाएगा, जहाँ पे ए एस सी आई सेम मीनिंग है आपका, एनुअल डिमांड्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, और ये आपका क्या है शॉर्टेज कॉस्ट है। तो ये हमारा क्यू स्टार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, और उसकी वैल्यू ये है। फिर हम बात करेंगे एस स्टार का, तो एस स्टार क्या हो जाएगा टू एस इंटू सी आई बाई ए फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ए एस सी आई को हमने एक साथ ही लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है ए एस सी आई को एक साथ लिखा है, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो ऑप्टिमम शॉर्टेज का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं कि ऑप्टिमम शॉर्टेज अगर होगा तो वह ऑप्टिमम शॉर्टेज कितना होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे, यहाँ पे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट अगर तीनों इक्वल है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास तीनों कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट तीनों कॉस्ट है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हो जाएगा वो तीन गुना किसी एक का आपका हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हो जाएगा वो तीन गुना हो जाएगा किसका, ऑर्डरिंग कॉस्ट का हो सकता है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का हो सकता है, या शॉर्टेज कॉस्ट का आपका हो सकता है। यहाँ पर वो सी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे, फिर आई सी सी है आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, और एस सी आपका क्या शॉर्टेज कॉस्ट। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला देखा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ऑप्टिमम शॉर्टेज देखा, फिर हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना होना चाहिए। तो ये कुछ फॉर्मूला डिस्कस किया हमने इन्वेंट्री कंट्रोल का मॉडल में, जिसमें कि आपका शॉर्टेज परमिटेड है। अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है इन्वेंट्री मॉडल का, जिसमें कि शॉर्टेज परमिटेड है, तो शॉर्टेज परमिटेड है तो इस मॉडल को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास द डिमांड ऑफ एन आइटम इज यूनिफॉर्म एट ए रेट ऑफ 25 यूनिट्स पर मंथ, तो डिमांड कितना है आपका 25 यूनिट्स पर मंथ है, तो एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा 25 इंटू 12, तो ए आपका हो जाएगा 25 इंटू 12। क्वेश्चन में जो आपको मेंशन हो उसको फटाफट लिख लेना है अपने वेरिएबल के टर्म्स में, तो इससे क्या होगा सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। द फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज 30, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सी है, और वो हमारा कहना 30 है, तो ये सी हो जाएगा। प्रोडक्शन रन इज मेन, इस टाइम में प्रोडक्शन रन इज मेन, द फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज 30 है, इस टाइम में प्रोडक्शन रन इज मेन, यानी कि ये आपका सी नहीं है। प्रोडक्शन रन को मेट करेंगे तो यहाँ पे आपको 30 का कॉस्ट आएगा, मतलब ये आपका क्या है एस। तो यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू कि एस का वैल्यू आपका 30 है, एनुअल डिमांड आपका इतना हो जाएगा,
फिर आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दिया है कि 50 पैसा है, 50 पैसा पर यूनिट पर मंथ है, तो 50 पैसा पर यूनिट पर मंथ यानी कि हाफ रुपीज पर यूनिट पर मंथ, तो यानी कि इसको 6 रुपीज पर यूनिट पर ईयर आपका हो जाएगा। ये आपका सी आपका आपका दिया है कि रुपीज कॉस्ट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹2 पर आइटम, ये आपका सी है और वो आपका 2 पर आइटम है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपका दिया है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, फिर आपका फाइनल आपके पास क्या है शॉर्टेज कॉस्ट है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है एस और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन रन की बात कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो रन करने में या ऑर्डर करने में जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट आपका हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है या एस होता है। तो लास्ट मॉडल में हमने डिस्कस किया है इसके बारे में डिटेल्स में, तो यह हमारा एस हो जाएगा। द प्रोडक्शन कॉस्ट इज रुपीज आपका क्या है 2, तो उसका जो यूनिट कॉस्ट आ रहा है वो 2 है, तो ये आपका सी हो जाएगा। तो वेरिएबल हमारे पास जो नोन है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है कि हाउ ऑफन टू मेक ए प्रोडक्शन रन ऑफ व्हाट साइज। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन बताना है और साइज बताना है कि क्या, यानी कि क्यू स्टार बताना है और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन बताना है आपका कि क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। तो इनके वैल्यूज अभी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी कितना होना चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर आपके पास शॉर्टेज मॉडल है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी का जो फॉर्मूला है वो आपका 2s by ci into ci into cs by ci। वेरिएबल रखेंगे 2, a का वैल्यू है आपका 25 into 12 यानी कि 300, s का वैल्यू आपका 30 हो जाएगा, c into i वैल्यू हो जाएगा कितना 20.5 पैसा पर मिनिमम मंथ, तो यानी कि 6 रुपीज़ पर ईयर आपका हो जाएगा, इन दोनों का पर ईयर में होना चाहिए। ci आपका हो जाएगा ₹3, हाँ या सी आई आपका हो जाएगा 6 पर यूनिट पर ईयर और सी एस आपका है 3 यूनिट्स पर मंथ, यानी कि इसको 36 करना होगा क्योंकि आपको ये आपका सी आई का पर ईयर में है, तो ये भी आपका पर ईयर में आपका हो जाएगा। तो ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 59.16 क्वांटिटी आपका हो जाना चाहिए। तो यानी कि अराउंड 60 क्वांटिटी आप अगर प्रोड्यूस करेंगे तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिलेगा। नंबर प्रोडक्शन रन निकालना था तो आप एनुअल डिमांड बाई इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एनुअल डिमांड आपका जो वैल्यू है, एनुअल डिमांड आपके पास है 300 यूनिट का, तो यहाँ पे 300 और आपका जो इकोनॉमिक आपके पास हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला वो 59.16 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन जो हो जाएगा वो 5 आपका हो जाएगा। तो अराउंड 60 डिवाइड 300 बाई अराउंड 60 होगा तो करीब करीब आपका कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इक्वल टू 5 तो नहीं होगा बट अराउंड 5 आपका हो जाएगा। तो ये आंसर 1 का हो गया। फिर आपको बताना था कि क्या होगा आपका लॉट साइज, तो क्यू का वैल्यू कितना होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्यू निकालते हैं, तो क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम देखें दाँ चाहे कि शॉर्टेज कितना हो रहा है तो ऑप्टिमम शॉर्टेज इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इन्वेंट्री जो बन रहा है कितना बन रहा है, क्यू स्टार माइनस एस स्टार बन रहा है, क्यू स्टार हमें पता है, एस स्टार हमारे पास 8.45 हुआ, दोनों को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो मैक्सिमम इन्वेंट्री बन रहा है वो 50.7 का बन रहा है। तो ये आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री 50.7 का बन रहा है। तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपका क्या होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, और दूसरा कि आपको फाइल कैलकुलेट करना था कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट साइज, तो मैक्सिमम जो इन्वेंट्री बन रहा है वो क्या साइज का बन रहा है उसकी बात कर रहा है, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन क्या है वो हमारा क्या है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ए बाई क्यू स्टार, वो अराउंड 5 होना चाहिए, और जो मैक्सिमम इन्वेंट्री बन रहा है वो मैक्सिमम इन्वेंट्री हमारे पास आई मैक्स है वो हमारा कितना है 50.7 का मैक्सिमम इन्वेंट्री बन रहा है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया अभी मॉडल इन्वेंट्री मॉडल जिसमें कि हमने शॉर्टेज को परमिट किया है। तो आज के लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जिसमें हम इन्वेंट्री मॉडल के अगले इन्वेंट्री कंट्रोल के अगले मॉडल को डिस्कस करेंगे, और वह मॉडल होगा विथ एंड विदाउट सेफ्टी स्टॉक। तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सेफ्टी स्टॉक क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है, रीऑर्डर पॉइंट क्या है, आपके पास बफर स्टॉक क्या है जिसको कि सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए, थैंक यू सो मच।